ओके देन, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने लास्ट टाइम जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उस पे लूप रूल को अप्लाई करके प्रूव किया था कि जब आपको फोर रेजिस्टर्स का नेटवर्क दिया गया है और आपको तीन रेजिस्टर्स अगर पता हैं तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और उसमें जो दो आपके रेजिस्टर्स हैं उनकी रेशो बाकी के दोनों रेजिस्टर्स की रेशो के बराबर हमने प्रूव की थी। इन द नटशेल वी अप्लाइड द लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल रादर, टू द केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा अब हम बेटे बेसिकली आज हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन होगा बेटा स्लाइड वायर ब्रिज। बेटा स्लाइड वायर ब्रिज, इसको बेटे मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। वी आल्सो कॉल दिस ब्रिज एज मीटर ब्रिज। बेटे जो मीटर ब्रिज है या स्लाइड वायर ब्रिज है इसके अगर बेटे हम स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर फोकस करें तो ये प्रोबेबली कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। आपको एक कॉपर का स्ट्रिप दिया जाता है, थिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ कॉपर इस शेप में। इसको आपने एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर रखा हुआ है। देयर इज अनदर पार्ट ऑफ द कॉपर स्ट्रिप एंड हियर इज स्टिल एन अदर पार्ट ऑफ द कॉपर स्ट्रिप। इसको भी हमने ऐसे बेटा एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स करके रखा हुआ है। सो इस वुडन बोर्ड के ऊपर आपने ये बेटे एक आपका जो है कंस्टेंटन आपने पढ़ा था, कंस्टेंटन अलॉय या मैगनिन अलॉय पढ़ा था आपने प्रीवियसली। ये कंस्टेंटन या मैगनिन का वायर आपने यहां इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर रखा है दिस वे बेटे। ये आपका ऑलरेडी कॉपर का है, दिस इज कॉपर, थिक स्ट्रिप है कॉपर का। दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, और ये आपका वुडन बोर्ड एंड दिस इज कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पे दो स्क्रूज लगे रहते हैं, दो स्क्रूज यहाँ पे लगे रहते हैं, एक मिडल में होता है। आप इस पॉइंट को ए पॉइंट, इस पॉइंट को आप बी पॉइंट कह सकते हैं। नाउ व्हाट वी डू प्रेजेंटली, इस आप कंस्टेंटन के वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी है, एमीटर है, आप रियोस्टेट लगा सकते हो करंट को कंट्रोल्ड वे में वेरी करने के लिए, और आप की ऐसे लगा सकते हो बेटा, समथिंग लाइक दिस। आपका सर्किट इतना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये वाले जो दो स्क्रूज हैं इन स्क्रूज के अक्रॉस आपने अपना रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ये बेटे लगा रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या चीज होती है? इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कीज लगे होते हैं, 1 ओम का, 2 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, और आप जितना रेजिस्टेंस आपको चाहिए आप वो की बाहर निकाल लेते हो, वो रेजिस्टेंस आपका सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ इस गैप के अक्रॉस आपने अननोन रेजिस्टेंस लगा रखा है, आपको एक्स की वैल्यू नहीं पता, आप इसको निकालना चाहते हो। मिडल वाला स्क्रू जो है इसके साथ आपने एक गल्वेनोमीटर अटैच करा। गल्वेनोमीटर का जो सेकंड एंड है इसको जॉकी के साथ लगाकर आपने ऐसे रखा हुआ है। जॉकी क्या चीज होती है समझिए जरा। जैसे ये चौक का पीस है कॉपर की बनी हुई, इस तरीके की स्ट्रक्चर को जॉकी कहते हैं। हम करते क्या हैं इसके साथ, इसको इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करते जाते हैं, इससे इसका कांटेक्ट बना रहता है वायर के साथ और आपका सर्किट कंप्लीटेड रहता है।
सो डियर चिल्ड्रन, आइए मैं सर्किट के साथ थोड़ी सी और आपको फैमिलियरिटी यहां पे कर दूं। रियोस्टेट की आर जो है आपका, दिस इज बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, कैपिटल आर, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है बेटा, नॉन रेजिस्टेंस। और जो आपका एक्स है बेटा, इट इज अननोन रेजिस्टेंस बेटे, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। एंड फर्दर मोर बेटा, ये जो आप वायर देख रहे हो ए से लेकर बी तक, इसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होती है, ये 100 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। ये वाला जो लेंथ है यहां से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, दिस इज 100 सेंटीमीटर्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज बेटा। आप मिडल ब्रांच को जब गैल्वेनोमीटर से अटैच करके जॉकी को स्लाइड करते हो, तो मान लो ये सी पॉइंट जो है आपका, सी पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर जो है इट शोज नो डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट। जब आपने जॉकी को टच किया, आपका गैल्वेनोमीटर ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट विल से दैट कि आपका ब्रिज जो है ये बैलेंस हो गया। ब्रिज बना कैसे वो भी समझो, ए से लेकर सी, सी से लेकर बी पार्ट को ध्यान से देखिए। ए सी पार्ट आपका जो है, इसकी लेंथ मान लो एल सेंटीमीटर है, सी से लेकर बी तक जो लेंथ होगी दैट विल बी देन 100 माइनस एल, सी से लेकर बी तक 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, अगर इतना हिस्सा एल है तो बाकी 100 माइनस एल ही बचा ना बेटा। और फर्दर मोर जो स्मॉल आर है, लेट इट बी द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ कंस्टेंटन वायर। कंस्टेंटन का जो वायर है आपका ए से लेकर बी तक, इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आपने स्मॉल आर कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए सी पार्ट है वायर का, ये वाला पार्ट, इसका रेजिस्टेंस अगर मैं पी कह दूं, सी से लेकर बी तक आपका पार्ट इसको क्यू कह दूं, ए सी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है जिसको मैंने पी बोला है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एल बेटा। और आपका जो क्यू हो जाएगा इतने हिस्से का रेजिस्टेंस, इट विल बी 100 माइनस एल इंटू आर बेटे, 100 माइनस एल इंटू आर। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, एक रेजिस्टेंस ये हो गया नोन आपका, ये आपका अननोन है, ये आपका नोन है, ये भी आपका नोन है, बिकॉज आपने अभी अभी इसको कहा है एल इंटू आर के बराबर है ये। अब आप क्या करिए बेटा, अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी कंडीशन यहाँ पे मेंशन करके उसमें सारी वैल्यूज बेटे पुट कर दीजिए। आप लोगों ने कल कहा था पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, पी आपका पी ही है, क्यू आपका एस एच क्यू है, आर आपका आर ही है, एस की जगह पे मैंने एक्स रखा है, सो आई विल बी राइटिंग पी अपॉन क्यू आर अपॉन एक्स। आपको एक्स निकालना था, एक्स विल बी इक्वल टू आर इंटू क्यू अपॉन पी, एक्स विल बी इक्वल टू आर। डियर चिल्ड्रन, आर तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स ही है, आपको पता ही है, और क्यू को ध्यान से देखिएगा, आपका 100 माइनस एल इंटू आर है, और पी आपका सिंपली एल इंटू आर है, आर आपका कट जाएगा बेटा, और आपका जो इस केस में अननोन रेजिस्टेंस है एक्स है जो, इट विल बी टर्न आउट टू बी 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू बेटे कैपिटल आर। तो इस तरीके से आप अपना अननोन रेजिस्टेंस स्लाइड वायर ब्रिज में निकाल सकते हो बेटे। डियर स्टूडेंट्स, ये आप एज सच प्रैक्टिकल में भी करते हैं, जब आप स्कूल में आएंगे ये प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे, तो इन दिस वे वी आर टू मैनेज द थिंग्स बेटे।
कई बार आपको एग्जामिनर कह देते हैं कि इस अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे आपने एक वायर लगा रखा है। वायर का रेजिस्टेंस हमें जनरली नहीं पता होता, आपने इतना पीस वायर का कट करके यहाँ पे अटैच कर दिया। आपको एग्जामिनर ने कहा कि रेजिस्टेंस तो चलो आपने निकाल दिया है, आप इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल के बताइए। सो डियर चिल्ड्रन, एक्स आपका जो रेजिस्टेंस है रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर आएगा ना। यहाँ पे जब आप वायर लगा दोगे, वायर की कुछ लेंथ भी होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। स्क्रू गॉज आपने सबने देखा है, स्क्रू गॉज से आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे और लेंथ आपकी इसके स्केल के साथ मेजर की जाएगी। सो एक्स विल बी इक्वल टू देन रो इंटू एल अपॉन ए, पुट कर दो रो एल अपॉन ए 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। इसको मैं एल डैश कह देता हूं, नहीं तो इसके साथ हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो रो आ जाएगा आपका 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर इंटू कैपिटल ए अपॉन एल डैश। माइंड वन थिंग, एल डैश आपके इस वायर का लेंथ है जो आपने एक्स की जगह पर अदरवाइज सपोज किया था बेटा। सो इन दिस वे आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, बता दीजिए मुझे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा? सिया, सिया बेटा, सुशांत, सुशांत, अभय, भूमिका, सुशांत, अभय, भूमिका, चरणजोत सिंह, चरणजोत सिंह, यस बेटे, डियर आई कैन सी योर कमेंट्स। थोड़ा मुझे बेटे आपकी आवाज भी सुननी होती है, इसीलिए मैं बार बार बुलाता हूँ। मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटे, इज इट ऑल क्लियर, ऑल वेल? हाँ जी सर। सारा साथ साथ हो ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। अभय, अभय शर्मा, भूमिका, अभय शर्मा एंड भूमिका, आई थिंक आप मेरे ख्याल से सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए बेटे, ये आपका स्लाइड वायर ब्रिज कंप्लीट किया हमने। स्लाइड वायर ब्रिज के बाद लेट अस कंसंट्रेट अपॉन एन अदर एप्लीकेशन बेटा, दैट इज अवर पोटेंशियोमीटर। आइए देखें पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये भी आप प्रैक्टिकली करोगे, लेबोरेटरी में इसका प्रैक्टिकल भी आप किया करते हो। पोटेंशियोमीटर क्या है और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पहले तो ये बात करेंगे बेटा। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर पहले प्रिंसिपल इसका देखें। पोटेंशियोमीटर जो है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, प्रोवाइडेड आप कॉन्स्टेंट करंट पास करवाएं और रेडियस ऑफ द वायर आपका यूनिफॉर्म रहे। अब इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट सर ने बोल दी तो ये भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल दिया है। एक बार जरा डायग्राम की तरफ देखिए, फिर मैं स्टेटमेंट बाद में लिखूंगा। पोटेंशियोमीटर बेटे बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। दिस इज द बैटरी एमीटर, देन डियर चिल्ड्रन दिस इज द रियोस्टेट एंड हेयर वी हैव द की, और ये आपका सारे का सारा जो पार्ट है इट इज कनेक्टेड इन दिस वे बेटा। आपने कनेक्टिंग वायर्स को जो कि कॉपर की हैं, इनको देखो 100, 200, 300 एंड 400, चार बार आपने फोल्ड कर रखा है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, और हर एक पार्ट की लेंथ 100 सेंटीमीटर्स। ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस रियोस्टेट, दिस इज द की के।
यहां से लेकर यहां तक 100 सेंटीमीटर, वापस 100, फिर 100, फिर 100, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 400, तीन चार बार आ जाएगा तो 400 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगा। एक बात याद रखिए, जितना ये पार्ट मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। आप पोटेंशियोमीटर से कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी करो, ये सर्किट आपका लगना ही लगना है। दैट इज व्हाट अवर ऑक्सिलरी सर्किट सिग्निफाइज टू अस। ये पार्ट जरूरी है। अब इस पार्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, एक बार फिर से बात करें। बैटरी लगी हुई है, एमीटर है, रियोस्टेट है, की है, और वही कंस्टेंटन वायर के 100-100 सेंटीमीटर के चार बार आपने फोल्ड करके ये वुडन बोर्ड के ऊपर लगा रखा है और उस वायर के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट बेटा। अब आप क्या करते हो, ए पॉइंट से एक वायर लेकर, कनेक्टिंग वायर लेकर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो। वोल्ट मीटर के साथ आपने जॉकी ऐसे लगा दिया, दिस वे बेटा। अब मैं प्रिंसिपल समझाने के लिए आपको बेटे ये कह रहा था कि जब हमने स्लाइड वायर ब्रिज किया था, मैंने बोला था जॉकी को ऐसे स्लाइड करेंगे। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कहते हैं, यहाँ पे लेकिन हम स्लाइड नहीं कर सकते। अगर हम स्लाइड करेंगे तो जैसे ये चौक का पीस है, मैं यहाँ पे अगर स्लाइड करूंगा तो चौक का यहाँ से बेटा जो है मास रिड्यूस होता जाता है, घिसता जाता है चौक। बिल्कुल वैसे ही जब आप वायर के ऊपर कॉपर का जॉकी ऐसे बेटे प्रेस करके स्लाइड करोगे तो इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं रहेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है तो ये इसका रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने करंट फिक्स्ड पास करवाना है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है आपको कि जब आप इस सर्किट में से कांस्टेंट करंट पास करवाओगे और आपका ये वायर फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होगा तो इस वायर की लेंथ के अलोंग फॉल ऑफ द पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द प्रिंसिपल बेटा। तो लेट मी राइट नाउ बेटा, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जो है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉन्स्टेंट इफ ए कॉन्स्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा। अब इस बात को मैं साबित कैसे कर सकता हूं, प्रूव कैसे कर सकता हूं, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट बेटा। प्रूफ क्या है इसके, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर का, लेट मी टिल्ट द बोर्ड कैमरा लिटिल बिट। आप जानते हैं आपका वी जो है इट इज आई इंटू आर के बराबर बेटा हुआ करता है, और आई आपका जो है, दिस इज बेटे करंट पासिंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर है, और आर आपका बेटे इसका रेजिस्टेंस है, ये जो वायर आपने अटैच कर रखी है। सो आर आपका जो है रो इंटू एल अपॉन ए होगा बेटा। आप ये वाले आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका वी जो है इट इज रो एल अपॉन ए इंटू आई। अब इस स्टेटमेंट में देखिए, आपने करंट कांस्टेंट कहा है, ये आपका वैसे ही कांस्टेंट है, और आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म कहा है, ये भी कांस्टेंट हो गया। रो आपका मटेरियल ऑफ द
ये अलॉय जो आपका कंस्टेंटन था उसकी रो है, रेजिस्टिविटी है, एल को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया तो बाकी के सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट हैं, इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह देते हो। सो वी अपॉन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही आपने बेटा इस प्रिंसिपल में प्रूफ के दो तीन स्टेप्स देने होते हैं कि जो फॉल ऑफ द पोटेंशियल है वी अपॉन एल जो है इट इज कांस्टेंट फॉर द केस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। कंडीशन क्या है, आपका करंट नहीं बदलना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके वायर का जो है वो सेम रहना चाहिए। इसीलिए हम जॉकी को बार बार ऐसे टच करते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद स्लाइड नहीं करते। दिस इज कॉल्ड बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ आप अपना बैलेंस पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो मे आई एक्सपेक्ट सारे स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल क्लियर है बेटा? वंशिका? यस सर। बेटे क्लियर है बिल्कुल? यस सर। लक्ष्य? क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है बेटे? यस सर। सर्किट डायग्राम्स डियर चिल्ड्रन सारे बच्चों ने साथ साथ बनाकर आपने देखते रहना है। थोड़ा देखने में सर्किट इसका लेंथी होता है बट है बड़ा आसान। अब आ जाइए, मैं पोटेंशियोमीटर की नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको करवा देता हूँ। दैट इज टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स। आपका स्लाइड वायर ब्रिज भी प्रैक्टिकल में है, ये भी प्रैक्टिकल में है, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो भी प्रैक्टिकल में होगा, उससे आगे वाला भी प्रैक्टिकल में है। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बात जोर दे के कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझ लो ताकि प्रैक्टिकल करते टाइम हमें कोई भी मुश्किल ना फेस करनी पड़े। बेटा आप हेडिंग लिख सकते हो टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बेटा और एक बात और, जितनी पोटेंशियोमीटर की लेंथ ज्यादा होगी आपका डिवाइस उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा और आप उतना अच्छे से आप अपनी रीडिंग्स जो हैं वो ले पाते हैं। सो ज्यादा लेंथ होना पोटेंशियोमीटर का अच्छा होता है, उससे आपके डिवाइस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आगे है टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यूज करके आपने ईएमएफ्स को कैसे कंपेयर करना है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। जैसे बच्चों आपको मैंने बताया था ऑक्सिलरी सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, आप मेरे साथ साथ बना भी सकते हो डायग्राम। ये बैटरी है, दिस इज एमीटर बेटा, एंड हेयर यू कैन अडॉप्ट द रियोस्टेट एंड लेट इट बी द की कनेक्टेड। ये आपके पास बेटा फोर फोल्ड्स आपके वायर के जो हैं ये आपने मैनेज कर रखे हैं। इन फोर फोल्ड्स की अगर हम बात करें बेटा तो ये जो चारों फोल्ड्स हैं इन में दिस इज 100 सेंटीमीटर्स, दिस इज 200, दिस इज 300 एंड हेयर इट इज 400 सेंटीमीटर। लेट दिस पॉइंट बी मार्क्ड एज पॉइंट ए, दिस पॉइंट एज बी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रियोस्टेट एंड दिस इज द की के। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट द टू सेल्स ओवर हियर। दिस इज द फर्स्ट सेल जिसकी ईएमएफ आप निकालना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो। दिस इज द सेकंड सेल जिसकी आप ईएमएफ निकालना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं। इनको आपने एक टू स्लॉट की में एडजस्ट कर रखा है और एक गैल्वेनोमीटर लेकर आप एक जॉकी के साथ ये सारा सेटअप ऐसे मैनेज कर लेते हो। इसकी ईएमएफ को लेट अस से दैट इट इज E1, इसकी ईएमएफ लेट इट बी E2। एक आपके पास गैप यहाँ पे है, एक गैप आपके पास यहाँ पे है एंड हियर लाइज योर जॉकी जे। नाउ बेटे ये सेल आपका ड्राइविंग सेल कहलाता है, ये आपके वो सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ आप निकालना चाहते हैं। सो इस सिचुएशन में जब आप
ये वाला की, फर्स्ट स्लॉट वाला की इंसर्ट करोगे, आपका ई वन दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल वन। आप जॉकी को बार बार टच करते चले जाते हो, मान लीजिए यहाँ पे जब आपने टच किया आपका गल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन दैट कि एल वन लेंथ पे आपका बैलेंस पॉइंट आपको मिल गया है। एंड ई वन दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू एल वन कर दिया। सेकंड अगर आप की इंसर्ट करोगे, ई टू जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल टू, ई टू दिस इज इक्वल टू के एल टू। एल टू का क्या मतलब है, आपने ये वाली की निकाल दी, इस स्लॉट में की इंसर्ट कर दी और आपका यहाँ पे मान लीजिए बैलेंस पॉइंट आ गया। आपने वो लेंथ नोट कर ली कि कितनी लेंथ पे बैलेंस पॉइंट आपका आ रहा है। और लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू बेटा, इनको आप कंपेयर कर लीजिए। डिवाइडिंग वन बाई टू, आपके पास ई वन अपॉन ई टू, इट विल बी के एल वन अपॉन के एल टू, के आपका कट जाएगा। और आपका जो इस सिचुएशन में कंपैरिजन है बेटा ई एम एफ्स का, वी विल से दैट ई वन अपॉन ई टू दिस इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। सो इन दिस मैनर वी कैन हैव द कंपैरिजन ऑफ द ई एम एफ्स ऑफ द टू सेल्स। ये दोनों सेल आपके प्राइमरी सेल्स हैं, इनकी ई एम एफ्स को हम बेटा इस वे से कंपेयर कर लेते हैं। प्राइमरी सेल्स में आप एक लेक्लेंचे सेल और एक डेनियल सेल बेटा कंसिडर कर सकते हो। तो ये दोनों सेल्स आपके जो हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल्स, जब आप लोगे तो अकॉर्डिंगली इनकी ई एम एफ्स को हम कंपेयर कर पाते हैं। एक बात और याद रखिए, जो सेल आप यूज कर रहे हो आफ्टर ए लॉन्ग यूज, सेल आपका जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बेटा ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ द एयर बबल्स अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोड बढ़ता चला जाता है, उससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उसकी ई एम एफ जो है वो फॉल कर जाती है। सो एक बार फिर से देखें कंपेरिजन ई एम एफ्स का हमने कैसे करना है। ऑक्सिलरी सर्किट लगा लिया हमने, ऑक्सिलरी सर्किट लगाने के बाद दो सेल्स हमने कनेक्ट किए, दो सेल्स ऐसे कनेक्ट करने हैं कि दोनों का पॉजिटिव जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है उधर ही लगा हुआ हो, और दोनों का नेगेटिव आपने एक दो स्लॉट्स वाली की के साथ अटैच किया। गल्वेनोमीटर और जॉकी को विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर लगा दिया। जॉकी को हम बार बार डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करके बैलेंस पॉइंट निकाल लेंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले ये वाला की इंसर्ट किया, पहले वाले स्लॉट में ये वाला की इंसर्ट करने पे आपका बैलेंसिंग लेंथ एल वन आ रहा है। E1 is equal to KL1 कह दो। जब आपने ये की हटा दिया, इस स्लॉट में की डाल दिया, आपका बैलेंसिंग लेंथ L2 आ रहा है। E2 को KL2 कह दो। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करने पे आपके पास दोनों सेल्स की EMFs की बेटा रेशो आ जाती है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कंपेयर द EMFs ऑफ द टू सेल्स बेटे। इसके बाद नेक्स्ट बेटे मेरे पास है to find the internal resistance of a cell using potentiometer beta. So aaj main fir wo nahi start karta because hamara time ab ho raha hai, aapka next class ka time ho raha hai rather. So any student having any doubt so far beta, so that can be rectified. Agar aapko sabko samajh aa gaya hai to ek bar zarur bata dijiye. Bhumika, Charanjot, Shitij, all clear to all beta? Radhika, theek hai bete. Ye bete circuit vagera jo hain diagrams, inko draw karke dekh lijiyega, purely circuits ka kaam hai ye. So iske baad fir hum bete next wala hamara article jo hai wo next time start karenge. So that's all for the day. Thank you all beta.